एक बच्चों बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है, भारत में पहली नेजल वैक्सीन बना ली। और नेजल वैक्सीन बच्चों क्या होती है, एक्चुअल में ये ड्रॉप के द्वारा नाक से दी जाती है। और बच्चों ये भारत की ही नेजल वैक्सीन नहीं है, ये वर्ल्ड में पहली नेजल वैक्सीन भारत ने बनाई है। और बच्चों अगर वर्ल्ड में भारत ने पहली नेजल वैक्सीन बना ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ के सेक्टर में हमारे बढ़ते हुए कदम दुनिया को दिखाई देने लग गए। क्योंकि बच्चों अभी तक किसी भी कंट्री ने ऐसी वैक्सीन का इजाद नहीं किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मवाड़िया जी ने बताया कि भारत ने नेजल वैक्सीन जिसका नेम है इनकोवैक, और ये भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है बच्चों, तो इनकोवैक को लॉन्च किया उन्होंने। और लॉन्च कब किया बच्चों, तो रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2023 को इन्होंने लॉन्च किया इस वैक्सीन को। और वैक्सीन को लॉन्च करने से, लॉन्च करते टाइम उन्होंने ये बात कही कि भारत पहले ही कोविड की 65% प्लस वैक्सीन दुनिया के अलग अलग कंट्रियों को प्रोवाइड करवाता रहा है। यानी कि भारत ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन को निर्यात किया है। तो 65% प्लस वैक्सीन हमने वर्ल्ड के जो कुछ गरीब कंट्री थी या जिनको जरूरत थी कोविड वैक्सीन की, उन्हें निर्यात किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि भारत के कदम अब हेल्थ सेक्टर में भी नई ऊंचाइयां छूने लग गए। और इसी के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया जी ने कहा कि भारत अब उन संक्रामक रोगों के ऊपर भी वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है जिन संक्रामक रोगों के ऊपर वैक्सीन अभी तक वर्ल्ड में नहीं आई है। दूसरा बच्चों, इनकोवैक जो वैक्सीन बनाई गई है इसकी कीमत मार्केट में 800 रुपये रहेगी, यानी कि 800 रुपीज में ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अवेलेबल रहेगी। और गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को भारत बायोटेक कंपनी इसे 325 रुपये में देगी। यानी कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके ये वैक्सीन लेते हो तो हो सकता है आगे गवर्नमेंट कानून बना दे कि आपको ये वैक्सीन पूरी तरह फ्री मिलेगी, लेकिन अभी ये 325 रुपये वैक्सीन का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भारत बायोटेक को देगी। और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इनको ऑर्डर करता है तो उसे ये वैक्सीन 800 रुपये में बच्चों मिलेगी।